और मैं मीना गुप्ता साई जीवन माला के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा चैनल आज प्रगति के पथ पर अग्रसर है, इसका श्रेय आप सभी साई भक्तों को जाता है। आपका सहयोग इसी तरह मिला तो हम आगे ही आगे बढ़ते रहेंगे और आपको साई जी की कथाएं सुनाते रहेंगे। आज हम साई चरित की अध्याय 3 प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें ग्रंथ लेखन हेतु बाबा की स्वीकृति, भक्तों को प्रेरणा और बाबा का चरित्र, ज्योतिषतम स्वरूप और मातृ प्रेम का पूरा पूरा वर्णन किया गया है। ग्रंथ लेखन हेतु बाबा की स्वीकृति, इसके बारे में हम आपको बतला रहे हैं। जैसा कि पिछले अध्याय में बतलाया जा चुका है कि बाबा ने सच्चरित लिखने की अनुमति देते हुए कहा कि सच्चरित लिखने के लिए मेरी पूर्ण अनुमति है, तुम अपना चित्त एकाग्र कर मेरे वचनों में श्रद्धा रखते हुए निर्भय होकर कर्तव्य पालन करते रहो। यदि मेरी लीलाएं लिखी गई हैं तो अज्ञान का नाश होगा तथा ध्यान व भक्ति पूर्वक श्रवण करने से देह बुद्धि नष्ट होकर भक्ति और प्रेम की तीव्र लहर प्रवाहित होगी, और जो इन लीलाओं की अधिक गहराई में जाएगा उसे ज्ञान रूपी अमूल्य रत्न की प्राप्ति होगी। इन वचनों को सुनकर हेमाड पंत को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे निर्भीक हो गए। उन्हें पक्का विश्वास हो गया कि अब कार्य अवश्य ही सफल होगा। बाबा ने श्यामा की ओर देखकर कहा, जो भी प्रेम पूर्वक मेरा नाम स्मरण करेगा मैं उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा, उसकी भक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी और जो मेरे चरित्र और कार्यों का श्रद्धा भाव से गुणगान करेगा उसकी मैं हर प्रकार से सदैव सहायता करूंगा। जो भक्त गण हृदय और प्राणों से मुझे चाहते हैं उन्हें मेरी कथाएं सुनकर स्वभावतः प्रसन्नता होगी। विश्वास रखो कि जो कोई मेरी लीलाओं का गुणगान करेगा उसे परमानंद और चिर संतोष की प्राप्ति होगी। यह मेरा वैशिष्ट है कि जो कोई अनन्य भाव से मेरी शरण आता है और जो श्रद्धा पूर्वक मेरा पूजन निरंतर स्मरण और मेरा ही ध्यान किया करता है उसको मैं मुक्ति प्रदान कर देता हूँ। जो नित्य मेरा नाम स्मरण और पूजन कर मेरी कथाओं और लीलाओं का प्रेम भाव से मनन करते हैं ऐसे भक्तों में शारीरिक वासनाएं और अज्ञान रूपी जो प्रवृत्तियां कैसे ठहर सकती हैं। मैं उन्हें मृत्यु के मुख से भी बचा लेता हूँ। मेरी कथाएं सुनने मात्र से ही मुक्ति हो जाएगी, अतः मेरी कथाओं को श्रद्धा भाव से सुनो और मनन करो। सुख और संतोष प्राप्ति का सहज मार्ग यही है। इससे श्रोताओं के मन को शांति प्राप्त होगी और जब ध्यान गहरा और विश्वास दृढ़ हो जाएगा तब अखंड चैतन्य से अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी। केवल साई साई के उच्चारण मात्र से ही उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। अब हम आपको बतलाते हैं भक्तों को प्रेरणा, बाबा ने किस प्रकार अपने भक्तों को प्रेरणा दी। बाबा अपने किसी भक्त को मंदिर और मठ बनवाने, किसी को नदी के तट पर घाट बनवाने और किसी को तीर्थाटन करने और किसी को भगवान का कीर्तन करने की प्रेरणा देते हैं, परंतु उन्होंने मुझे तो साई चरित लिखने की प्रेरणा दी। किसी भी विद्या का पूर्ण ज्ञान न होने के कारण मैं इस कार्य के लिए सर्वथा अयोग्य था, अतः मुझे इस कठिन कार्य का दुस्साहस क्यों करना चाहिए। श्री साई महाराज की यथार्थ जीवनी का वर्णन करने में कौन सक्षम है, उनकी कृपा से ही कार्य पूर्ण होना संभव है। इसलिए जब मैंने लेखन प्रारंभ किया तो बाबा ने मेरा अहम नष्ट कर दिया और उन्होंने स्वयं ही अपना चरित्र रचा, अतः इस चरित्र का श्रेय श्री साईनाथ को ही जाता है। मुझे नहीं, जन्म से ही ब्राह्मण होते हुए भी मैं दिव्य चक्षु विहीन होने के कारण साई सच्चरित लिखने में सर्वथा अयोग्य था, परंतु हरि कृपा
से क्या संभव नहीं है। मूक भी बाचाल हो जाता है और पंगू भी पर्वत पर चढ़ जाता है। स्वेच्छा अनुसार कार्य पूर्ण करने की युक्ति वही जाने। अब हम आपको दिखला रहे हैं और सुना रहे हैं, बतला रहे हैं कि बाबा का चरित्र और ज्योति स्तंभ स्वरूप। समुद्र में अनेक ज्योति स्तंभ इसलिए बनाए जाते हैं ताकि नाविक लोग चट्टानों और दुर्घटनाओं से बचें और जहाज को कोई भी नुकसान ना हो, कोई भी क्षति ना हो। इस संसार सागर में श्री साईं बाबा का चरित्र ठीक इसी प्रकार का है। वह अमृत से भी अधिक मीठा और संसारिक मार्ग को सरल बनाने वाला है। जब कानों के द्वारा हृदय में प्रवेश करता है तब देह बुद्धि नष्ट हो जाती है और हृदय में एकत्रित करने से शारीरिक कुशंकाएँ समाप्त हो जाती हैं, अहंकार नष्ट हो जाता है तथा बौद्धिक आवरण लुप्त होकर ज्ञान प्रकट हो जाता है। बाबा के विशुद्ध यश को निष्ठापूर्वक श्रवण करने से भक्तों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः यह मोक्ष प्राप्ति का बहुत ही सरल साधन है। सतयुग में शम तथा दम, त्रेता में त्याग और द्वापर में पूजन और कलयुग में भगवत कीर्तन ही मोक्ष का साधन है। यह अंतिम साधन चारों वर्णों के लोगों के लिए साध्य भी है। अन्य साधन योग, त्याग, ध्यान, धारणा आदि आचरण करने में कठिन है, परंतु चरित्र तथा हरि कीर्तन का श्रवण तो अति सुलभ है, अर्थात अति सरल है। केवल उन पर ध्यान देने की ही आवश्यकता है। कथा श्रवण और कीर्तन से इंद्रियों की विषयों के प्रति स्वाभाविक विषया शक्ति नष्ट हो जाती है और भक्त वासना रहित होकर आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर हो जाता है। इसी फल को प्रदान करने हेतु उन्होंने सच्चरित की रचना करवाई। भक्तगण अब सरलता पूर्वक इस चरित्र का अवलोकन करें और साथ ही उनके मनोहर स्वरूप का गुरु और भगवत भक्ति के अधिकारी बने तथा निष्काम और आत्म साक्षात्कार करें। साईं चरित्र के सफलता पूर्वक संपूर्ण होने को साईं महिमा ही समझें। हमें तो केवल एक निमित्त मात्र ही बनाया गया है। अब हम साईं चरित्र के अध्याय 3 का मातृ प्रेम बतलाते हैं। सभी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि गाय अपने बछड़े से बहुत प्रेम करती है। उसके स्तनों में हमेशा दूध भरा रहता है और जब भूखा बछड़ा स्तन की ओर दौड़कर आता है तो दूध की धारा स्वतः ही प्रभावित होने लगती है। उसी प्रकार माता भी अपने बच्चे की आवश्यकता का पहले से ही ध्यान रखती है और ठीक समय पर स्तनपान कराती है। जब बच्चे का श्रृंगार ठीक ढंग से करती है, परंतु बच्चे को इसका कोई ज्ञान नहीं होता कि मेरी माँ मेरा श्रृंगार कर रही है। बच्चे की सुंदर श्रृंगार को देखकर माता बड़ी ही प्रसन्न होती है। माँ का प्यार विचित्र, असाधारण और निस्वार्थ है, जिसकी कोई उपमा नहीं है। ठीक उसी प्रकार सद्गुरु का भी प्रेम अपने शिष्य पर होता है। ऐसा ही प्रेम बाबा का मुझ पर था। उदाहरण, 1916 में मैं नौकरी से रिटायर हो गया। जो पेंशन मुझे मिलती थी वह मेरे परिवार के निर्वाह के लिए पर्याप्त नहीं थी। उसी वर्ष की गुरु पूर्णिमा के दिन मैं अन्य भक्तों के साथ शिरडी गया। वहाँ अन्ना चिचड़ीकर ने स्वयं ही मेरे लिए बाबा से इस प्रकार प्रार्थना की, इनके ऊपर कृपा करो, जो पेंशन इन्हें मिलती है वह निर्वाह योग्य नहीं है। कुटुंब बढ़ रहा है, कृपया और कोई नौकरी दिला दीजिए ताकि इनकी चिंता दूर हो और ये सुख से रहें। बाबा ने उत्तर दिया, इन्हें नौकरी मिल जाएगी, परंतु अब इन्हें मेरी सेवा में ही आनंद लेना चाहिए। इनकी इच्छाएँ सदैव पूर्ण होंगी। इन्हें अपना ध्यान मेरी ओर आकर्षित कर अधार्मिक तथा दुष्ट जनों की संगति से दूर रहना चाहिए। इन्हें सबके प्रति दया व विनम्रता का व्यवहार और अंतःकरण से मेरी उपासना करनी चाहिए। यदि ये इस प्रकार आचरण कर सके तो सदा सुखी रहेंगे। अध्याय 3 आज पूर्ण हुआ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय साईं राम, जय साईं।